टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज का व्लॉग जो है वो बर्थडे व्लॉग है, मेरा बर्थडे आज। हैप्पी बर्थडे टू मी। तो आज क्या कर रही हूँ मैं और किस तरह से सेलिब्रेशन होती है तो वो दिखाते हैं, चले हैं चलते हैं। तो बस यहाँ हम लोगों ने एक बड़ा सा मैंने पतीला ले लिया और उसमें तकरीबन 20 किलो चिकन में मैंने तकरीबन आधा पाव जो है ना सिर्फ दही डाला, और क्योंकि आज मूड हो रहा था कि बारबेक्यू करना है तो बस उसी के लिए जो है सारी प्रिपरेशन हो रही है। तो मसाला मैं खुद ही लगाऊंगी। इसमें मैंने आधा पाव तकरीबन दही डाल दिया है। इसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा थोड़ा सा, मतलब अपने अंदाज़े के मुताबिक, और कुछ ज़्यादा सी मिर्चें जो दड़बड़ मिर्ची होती हैं जिसे क्रश चिलीज़ भी कहते हैं वो ऐड की हैं, और उस क्योंकि तिक्के जो होते हैं ज़रा स्पाइसी से और चटपटे से ही मज़े के लगते हैं। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी टिक्का मसाला, और मतलब चार पैकेट मैंने यूज़ किए हैं। आप किसी भी ब्रांड का जो आपको पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली थी, अजवाइन ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा मैं सिरका ऐड करूँगी, क्योंकि सिरका ज़्यादा कभी भी नहीं आप लगाया करें, क्योंकि जब भी आपका अच्छी तरह मैरिनेशन हो जाती है तो उसके बाद जब टिक्के होते हैं या बोटियाँ होती हैं ना वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो बस थोड़ा सा मैं सिरका ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह एक मिक्सचर बना लूँगी, अच्छे से मिक्स करके सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया। और उसके बाद मैंने इसमें जो चिकन था वो ऐड कर दिया है, और उसको भी अच्छा सा मिक्स करके अच्छा सा तकरीबन सारा मसाला लगा के मैंने इसको अब साइड पे रख दूँगी तकरीबन एक दो घंटे के लिए भी। चिकन तो आपको पता है ज़रा जल्दी ही हो जाता है, उसके लिए इशू नहीं होता। तो बस इसको मैंने साइड पे कवर करके रख दिया है आराम से मैं। तो बस गेस्ट भी आ गए थे और टिक्के भी स्टार्ट हो गए थे बनने के लिए, और बहुत ही मज़े और जूसी बने थे। पिक्चर मैं नहीं ले सकी उनकी, और खाते हुए तो यकीन करें पता ही नहीं चला। और बाकी बस बर्थडे की तैयारी भी स्टार्ट थी और केक भी कट करना था, गिफ्ट शिफ्ट भी आ गए थे, और बहुत इन्जॉय किया मैंने अपने बर्थडे पे सबके साथ, पूरी फैमिली के साथ। तो कलर जो था मैंने बालों को आज ही डाई किया था, इसकी मैंने अलग से वीडियो जो है पोस्ट की हुई है, आप लोग चाहें तो ज़रूर देखिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मेरे चैनल को नहीं भूलना आपने। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।